नमस्कार साथियों, बीपी न्यूज चैनल में फिर से आपका स्वागत है। अपने प्रोडक्ट साथियों, हर प्रकार की न्यूज़ आप लोगों को प्रेषित करते हैं। आज हम पहुँचे हैं तावड़ू खंड से, जो वार्ड नंबर 3 से जो पार्षद अफसाना जी नॉमिनेट हुई है। आज उनके प्रतिनिधि श्री सब्बीर जी हमारे साथ में प्रेजेंट है। भाई सब्बीर जी से आज हम जानना चाहेंगे वो अपने वार्ड के विकास के लिए क्या क्या मुख्य एजेंडा लेके चल रहे हैं और सरकार से कितनी आशा रखते हैं। सब्बीर भाई नमस्कार। नमस्कार जी, पहले तो मैं आपका वार्ड नंबर 3 में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने जो अपना कीमती वक्त जो निकाला है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और रही बात आगे वार्ड के कार्यक्रम की, देखो हर पल, चुनाव से पहले भी यही बात थी, चुनाव से बाद में भी यही बात है, मैं हर पल हर संभव प्रयास करूंगा कि मेरे वार्ड नंबर 3 के अंदर जो पिछले 17 सालों से जो पार्षद बने हैं, आज तक उन लोगों ने पार्षद बनने के बाद में पीछे घूम कर देखा नहीं। मेरा हाथ पर यह प्रयास रहेगा कि मैं अपना वार्ड नहीं, मेरा ये परिवार है और मैं अपने परिवार के अंदर ज्यादा से ज्यादा विकास का काम कराऊंगा, चाहे शिक्षा का काम है, चाहे रास्ते का काम है, चाहे स्ट्रीट लाइट का काम है, चाहे एनीवे कोई भी काम है, मैं उसमें पूर्ण भूमिका निभाऊंगा। और सरकार से ये मेरा आश्वासन है, मुझे भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री साहब पर, क्योंकि जो डिमांड हम रखेंगे अपने विकास के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री साहब हमारी हर समस्याओं का समाधान करेंगे। सरकार आपके द्वार है, सरकार आपके हित में काम करेगी। सर, इसमें लगभग कॉलोनीज वगैरह लगा करके 25-26 के समथिंग गांव पड़ते हैं आपके क्षेत्र के, जो आपके क्राइटेरिया है जी। युवाओं के लिए आप क्या विकल्प चुनेंगे? युवाओं को खेल की तरफ या शिक्षा की तरफ कैसा ध्यान देंगे? युवाओं का जो युवा है जो मेवात का मुस्तकबिल देखा, और युवाओं का जहां तक मामला है, युवाओं को लिए हमने शिक्षा पे जितने हमसे होगा हम उतना प्रयास करेंगे। रहा खेलने का मामला, और मेरे ख्याल से मेवात के अंदर जितना टैलेंट युवाओं के अंदर है, मेवात की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से इतना टैलेंट और कहीं नहीं है, क्योंकि शहबाज खान जैसे वो भी मेवाती हैं, और बच्चों के अंदर मतलब एक अनोखा ही थोड़ा सा जो है कि वो क्या बोलते हैं उसको, एक अनोखा ही एक ऐसा उल्लास है। और युवा जो हमारे हैं वो चाहते हैं कि हम शिक्षा के माध्यम से और खेल के भी माध्यम से मेवात के नहीं हरियाणा प्रदेश का जो नाम है वो मतलब चमकाना चाहते हैं, और हर संभव हमारा भी ये प्रयास रहेगा अगर युवा किसी भी एंगल से खासतौर पर मेवात जिले के अंदर पीछे ना रहे, शिक्षा के माध्यम से भी ना रहे हैं, खेल के माध्यम से भी ना रहे हैं। और सरकार से हम अपील भी करेंगे, गुजारिश भी करेंगे कि खासतौर पर मेवात के अंदर कोई स्टेडियम ऐसा नहीं है, और हम सरकार से गुहार करेंगे, अपील करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि सरकार हमारी बात को मानेगी, एक खेल का स्टेडियम भी मेवात के अंदर बनना चाहिए। तो देखिए, ये सब्बीर भाई ने अपनी बातें रखी है चैनल के सामने, और सरकार से इन्होंने रिक्वेस्ट करने की भी बात कही है कि हम सरकार से अपील करेंगे, युवाओं की तरफ भी ध्यान देंगे, और विकास की जो भी बात है उस पे हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। समीर भाई, आने वाले टाइम में अभी एक होली का पर्व भी आ रहा है, तो जनता को क्या कहना चाहेंगे इस पे होली? देखो जी, होली का जो त्योहार है, हमारी तरफ से मेवात के लिए नहीं, हरियाणा प्रदेश के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर होली का त्योहार को बिल्कुल खुशी के साथ मनाया जाए, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। हम अपनी तरफ से एडवांस मुबारकबाद देना चाहते हैं भारतवासियों के, क्योंकि होली का जो पावन त्योहार है उसको एक त्योहार की तरह बिल्कुल खुशी के साथ मनाया जाए। तो पार्षद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ में जुड़े, और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप जन भावनाओं के साथ जिस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इसी प्रकार से आगे अग्रसर रहेंगे और आपको मालिक और पदोन्नति पर लेके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे हमें ये उम्मीद भी है कि आप हर संभव हमें
और हमारे मेवात का जो सिस्टम है उसके बारे में आप थोड़ा जागरूक करते रहिए। समय समय पर आप वक्त निकालिए कि बहुत सी हमारी ऐसी कमजोरियां हैं कि हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमारी जो अंदर की कुछ शिकायतें हैं वो जो कि सरकार के कानों तक जाए, और सरकार पे हमें पूरा भरोसा है और हमें इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारे साथ बिल्कुल खरी उतरेगी। और दूसरी बात, आपने विकास की बात करी थी तो हम मेवात के अंदर अब की बार जिला परिषद बोडी से माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से विकास की झड़ी लगा देंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबीर भाई, आप हमारे साथ में जुड़े और हम फिर आपको एक बार शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, बढ़ते कदम सच्चाई कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हम, देखते रहिए बीपी न्यूज़।